हेलो गाइस, मेरा नाम अब्दुल बासित और आप देख रहे हैं स्मार्ट एक्स के लिए यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा जो मिज़ान बैंक ऐप है इसे आप जो है वो जैश कैश जो अकाउंट है उसमें पैसे कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल तरीके, सिंपल आपने अपने मोबाइल के अंदर जो मिज़ान बैंक ऐप है इसको ओपन कर लें। ओपन करने के बाद यहाँ पर सिंपल आपने अपना यूज़र नेम और पासवर्ड लिखकर यहाँ पर लॉगिन हो जाना है। तो मैं अपना यूज़र नेम और पासवर्ड लिखकर यहाँ पर लॉगिन हो जाता हूँ। लॉगिन होने के बाद यहाँ पर पहले नंबर ऑप्शन आपको मिल जाता है फंड्स ट्रांसफ़र, आपने इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको सभी बैंक शो हो जाएंगे। अगर आपने पहले पैसे सेंड नहीं किए मिज़ान बैंक ऐप से किसी बैंक के इजी पैसा है जैश कैश में, तो यहाँ पर आपको सभी बैंक शो हो जाएंगे। इजी पैसा का भी ऑप्शन आपको मिल जाएगा, जैश कैश का सभी ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पर मैंने HBL और इजी पैसा में पहले पैसे ट्रांसफ़र किए हैं तो यहाँ पर वो शो हो रहे हैं। अगर आपने पैसे नहीं ट्रांसफ़र किए तो आपको जो है वो शो हो जाएंगे सारी बैंक वाले ऑप्शन, और इजी पैसा, जैश कैश या यू पैसा सारे ऑप्शन आपको शो हो जाएंगे। अगर आपने पहले पैसे ट्रांसफ़र किए तो यहाँ पर आपने ऐड न्यू बेनिफिशियरी पर क्लिक करना है। जब आप ऐड न्यू बेनिफिशियरी पर क्लिक करेंगे तो आपके पास दोबारा जो है सारे बैंक या इजी पैसा, जैश कैश सभी ऑप्शन दोबारा शो हो जाएंगे। तो अगर आपने पैसे ट्रांसफ़र नहीं किए तो इस तरह आपके पास पहले जो है वो शो हो जाएगा। तो हमें जैश कैश में पैसे ट्रांसफ़र करें तो मैं यहाँ पर जैश कैश वाला ऑप्शन देख लेता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैश कैश वॉलेट, आपने इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपने जैश कैश का मोबाइल नंबर लिखना है, उसके बाद जो भी आपका जैश कैश का मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर आपने लिखना है। तो मैं अपना जैश कैश का मोबाइल नंबर लिख लेता हूँ। यहाँ पर मोबाइल नंबर लिखने के बाद सिंपल आपने नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको सारी डिटेल जो है वो शो हो जाएगी। अकाउंट टाइटल में उस बंदे का नाम शो होगा जिसको आप पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं, जैसे ये मेरे ही अकाउंट है जैश कैश का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अब्दुल बासित लिखा हुआ है। बैंक नेम शो होगा, जैश कैश वॉलेट, ब्रांच, मूवी कैश और अकाउंट नंबर यहाँ पर जो है वो शो होगा। यहाँ पर जो टाइप निक नेम में आपने ख़ुद से कोई नाम देना होगा या उस बंदे का नाम भी आप दोबारा लिख सकते हैं, जैसे मैं अब्दुल बासित भी लिख सकता हूँ, बासित खान यहाँ पर लिख दूँ। यहाँ पर सिंपल आप निक नेम जो भी रखना चाहते हैं जिसको आप पैसे ट्रांसफर करना चाह रहे हैं यहाँ पर आप लिख सकते हैं। ये सिर्फ इसलिए होगा जब हम बेनिफिशियरी में इसको ऐड करेंगे तो वहाँ पर आपको शो होगा इस नाम से। यहाँ पर अभी जब आप यहाँ पर नाम लिख लेंगे निक नेम, तो उसके बाद सिंपल आपने ऐड पर क्लिक करना है। जब आप ऐड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बेनिफिशियरी एडेड सक्सेसफुली, तो ये बेनिफिशियरी में जो है वो ऐड हो गया। अगर आप पैसे ट्रांसफर करना चाहते हो तो सिंपल आप पे नाउ पर भी क्लिक कर सकते हैं या ओके पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो मैं ओके पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, यह बेनिफिशियरी में जो है वो ऐड हो गया। जैसे आप देख सकते हैं HBL बैंक में जब हमने पैसे ट्रांसफर किए थे तो वो भी ऊपर ऐड हुआ हुआ, इजी पैसा वाला भी ऐड हुआ और जैश कैश वाला भी ऐड हो गया। तो अभी अगर आपने जैश कैश में पैसे ट्रांसफर करने, जब आप एक मतलब बेनिफिशियरी में उस बंदे को ऐड करेंगे जिसको भी पैसे ट्रांसफर करना चाह रहे हैं, जब वो ऐड हो जाएगा बेनिफिशियरी में, उसके बाद सिंपल आपने जो इस पर क्लिक करना होगा, जैसे जैश कैश वाला है मैं इस पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद सिंपल यहाँ पर आपको अमाउंट लिखनी होगी जितने आपने पैसे ट्रांसफर करने, मैं 1 रुपये लिखता हूँ, आपने जितने पैसे ट्रांसफर करने हैं आप यहाँ पर लिख सकते हैं। और उसके बाद पर्पज़ ऑफ़ पेमेंट, यहाँ पर आपने जो है वो कोई पर्पज़ सेलेक्ट कर सकते हैं, अदर ही रहने दें, मैं अदर ही रहने देता हूँ, आप कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं पर्पज़। उसके बाद सिंपल आपने नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको दोबारा सारी इन्फॉर्मेशन शो होगी, अमाउंट कितनी है और ट्रांजेक्शन फ़ीस कितनी है, टोटल अमाउंट कितनी है, अकाउंट टाइटल में उस बंदे का नाम होगा, अकाउंट नंबर होगा, बैंक नेम होगा, निक में उस बंदे का नाम जो आपने रखा होगा वो यहाँ पर लिखा होगा। अच्छा, इसकी ट्रांजेक्शन फ़ीस होती है लेकिन फ़िलहाल जो है वो कोरोना की वजह से जो है वो फ्री है, क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान में जो स्टेट बैंक है उसकी तरफ से ये हिदायत की गई है कि किसी बैंक से दूसरे बैंक में या इजी पैसे से जैश कैश या जैश कैश से इजी पैसा, मतलब जो पैसे ट्रांसफ़र करने वाला खाता है वो फ़िलहाल जो है वो फ्री किया जाए। तो यहाँ पर आपसे ट्रांजेक्शन फ़ी जो है वो ज़ीरो है, इस वजह से ये ज़ीरो वाले, अगर ये कोरोना ख़त्म हो जाता है तो इसके बाद दोबारा चार्जेस जो हैं वो इसके होंगे। तो सिंपल यहाँ पर आपने कंफर्म पर क्लिक करना तो आपके पैसे जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप जैसे ट्रांसफ़र RS1 और ये आगे सारी डिटेल की है, तो पैसे जो है वो ट्रांसफ़र हो गए हैं। तो इस तरह अगर आप मिज़ान बैंक ऐप से जो है वो जैश कैश जो अकाउंट है उसमें पैसे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो ट्रांसफ़र जो है वो कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ वाले बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।